आज एक नई रेसिपी लेके आई हूँ। क्या बना रही हूँ लास्ट तक देखिए वीडियो को, आपको पता चल जाएगा। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल दीप्ति किचन। चैनल में नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह वीडियो मैं आपको देती रहूँगी। में मैंने तेल को ले लिया है, तेल अच्छे से गर्म हो गया है और एक बड़े से गोभी को मैंने अच्छे से साफ कर दिया है बॉयल वाटर में। और तेल जैसे ही गर्म हो जाए तो हम उसमें गोभी डाल देंगे। तेल में जितना गोभी आता है उस हिसाब से गोभी डालेंगे ताकि अच्छे से डीप फ्राई हो पाए। गोभी को हम ऐसे चलाते रहेंगे ताकि दोनों साइड से ब्राउन कलर हो जाए। और गोभी जैसे ही ब्राउन कलर हो जाए तो उसे निकाल के एक प्लेट पे रख देंगे। और फिर दूसरी बार भी हम गोभी को इसी तरह ही फ्राई कर लेंगे। मुझे सारा गोभी फ्राई करने में 3 बार लगा तो मेरा यहाँ पर सारा गोभी फ्राई हो गया है। उसके बाद हम इसी तेल में पनीर को फ्राई कर लेंगे। और मैं यहाँ पर 250 ग्राम पनीर ली हूँ और क्यूब साइज़ में कट की हूँ सारे पनीर को। आपको पनीर जिस साइज़ में कट करना है आप कट करके डीप फ्राई कर देंगे। दोनों साइड से पनीर को भी हमें ब्राउन कलर करना है। गैस के फ्लेम को यहाँ पर हम हाई रखेंगे। जैसे ही पनीर दोनों साइड से गोल्डन फ्राई हो जाए उसे भी निकाल के एक प्लेट में रख देंगे। और कुछ आलू को मैंने इस तरह इस शेप में कट की हूँ और उसे भी मुझे फ्राई करना है। तो सारे चीज़ को हमें डीप फ्राई करना है और मैंने सारे आलू को एक साथ ही डाल दिया है। और उसके बाद आलू भी गोल्डन कलर का हो गया तो उसे भी प्लेट में निकाल के रख दिया। तो सारे चीज़ को मैं रिफाइन ऑयल में डीप फ्राई की हूँ तो सारा रिफाइन ऑयल में निकल रही हूँ, क्योंकि मुझे मस्टर्ड ऑयल में इसकी ग्रेवी बनाना है। तो यहाँ पर मैं 3 से 4 बड़े चम्मच ऑयल ले रही हूँ और इसमें मैं तेज पत्ता, 2 हरी इलायची, दालचीनी, फिर 1 चम्मच जीरा देके इन सबको थोड़ी देर के लिए भुनना है। वो भी गैस के फ्लेम को स्लो रखेंगे, नहीं तो सारा चीज़ जल जाएगा। फिर वो थोड़ी सी भुन जाए, जीरा थोड़ी सी तड़क जाए तो इसके बाद हम 2 बड़े प्याज को मैं फाइन चॉप की हूँ इसमें डाल देंगे। हाई फ्लेम में प्याज को हमें ब्राउन कलर करना है। और जैसे ही प्याज थोड़ी सी कलर चेंज करे इसमें हम 1 चम्मच चीनी ऐड कर देंगे, थोड़ी सी मिठास आएगी और इससे कलर भी अच्छा आएगा। और देखिए यहाँ पर प्याज बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। यहाँ पर मैं अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चम्मच ले रही हूँ और अच्छे से अदरक लहसुन का पेस्ट को भुनना है हमें। इसके बाद 1/2 चम्मच से कम हल्दी पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी रेड चिल्ली, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर और स्वाद अनुसार नमक देंगे। इन सबको एक साथ भुनना है अच्छे से, फिर थोड़ी सी पानी ऐड करके फिर से भुनेंगे। पानी ऐड करने के बाद हम गैस को हाई कर देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें हम ग्रीन मटर ऐड करेंगे और मसाले के साथ उसे भी कुछ देर भून लेंगे। फिर रखे गए आलू को ऐड करेंगे इसमें और मसाले के साथ अच्छे से उसे मिक्स कर देंगे।
अब मैं इसमें रखे गए गोभी को दे दूंगी। और फिर पनीर को भी एक साथ ही इसमें दे देंगे। गोभी, आलू और मटर, पनीर सब कुछ को एक साथ अच्छे से मिक्स करना है। उसके बाद 2 चम्मच टमाटर केचप और 1 चम्मच सोया सॉस, इस दोनों को मिक्स करके मैं इसमें डाल रही हूँ और इसमें मिला रही हूँ। और इसमें जो लगा था सॉस, पानी डाल के इसे फिर से दे दिया पानी के साथ ही। अब हम इसमें अपने हिसाब से पानी ऐड करेंगे। मैं यहाँ पर 1 कप पानी पहले ऐड की हूँ, फिर उसे देख रही हूँ। उसके बाद मैं फिर से 1/2 कप ऐड की हूँ। इसका मतलब मैं 1.5 कप पानी इसमें दी हूँ, क्योंकि सारे चीज़ पक चुके हैं। जब हमें डीप फ्राई करते हैं किस चीज़ को, वो उसी में ही पक जाता है। बस मसाला का फ्लेवर आना है और थोड़ी देर के लिए मतलब उसकी ग्रेवी थोड़ी सी थिक करना है, इसी हिसाब से हमको पानी देना है। तो यहाँ पर मैंने 1.5 कप पानी दे दिया है। आपको ग्रेवी जिस हिसाब से रखना है, आप उतनी ग्रेवी करने के लिए पानी इसमें देना। उसके बाद हम इसे लीड लगा लेंगे। कम से कम 5 से 7 मिनट तक हम लीड लगाकर स्लो फ्लेम में इसको गैस में रखेंगे। फिर उसके बाद हम आकर चेक करेंगे ये पक्का के नहीं। तो हम 5 मिनट के लिए हम चले जाते हैं, मतलब इसे भूल जाते हैं 5 मिनट तक। उसके बाद हम देखेंगे। तो 5 मिनट तक हो गया है मेरा, आकर हम देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए बहुत खूबसूरत लग रहा है और ग्रेवी भी जितना चाहिए मुझे उसी हिसाब से हो गया है। तो उसके बाद मैं इसमें कस्तूरी मेथी थोड़ी सी ऐड कर दूंगी फ्लेवर के लिए। 1.5 चम्मच गरम मसाला यहाँ पर ऐड कर रही हूँ। आप अगर घर का बना हुआ गरम मसाला का फ्लेवर थोड़ी सी स्ट्रांग होता है तो थोड़ी सी कम यूज़ करती हूँ जब घर में बनाती हूँ, और रेडीमेड यूज़ करती हूँ तो थोड़ी सी ज़्यादा यूज़ करती हूँ। और इसमें हम गैस को बंद कर देंगे, फिर लीड लगाकर 5 मिनट तक उसे छोड़ देंगे ताकि गरम मसाला का फ्लेवर भी उसमें चला जाए। उसके बाद मैंने एक बाउल में निकाला है, देखो सब्जी बनकर बिल्कुल रेडी है। आप इसे रोटी, पराठा, पूरी किसी भी चीज़ के साथ आप इसे ले सकते हो, बहुत अच्छा लगता है। तो प्लीज़ आप लोग एक बार ट्राई कीजिए और आई एम श्योर ये रेसिपी आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा। और आपके घर घर में कोई मेहमान आ जाए तो आप इसे बना के दे सकते हो। तो प्लीज़ ट्राई कीजिए। अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और चैनल में अगर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आज के लिए इतना ही, थैंक यू।